Assalamualaikum, welcome back to my YouTube Sammi family vlog. उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की रहमत करम और फजल के साथ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ब्रांड न्यू व्लॉग। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अभी जी मैं गई थी जाजू को डॉक्टर के पास लेके। डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह चाचू का जो दिल का ज़्यादा टेंशन थी कि चाचू का दिल कमज़ोर तो नहीं है, डॉक्टर ने चेक करना था। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा है दिल की नहीं है लेकिन एक वेन जो ना वो कमज़ोर है, उसके लिए डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने मेरे चाचू के लिए मेरे लिए बहुत सारी दवाएं की। जिन जिन लोगों ने दवाएं की उन सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज जी अभी भी डॉक्टर के पास से आई हूँ। अभी रोज़ा शदीद लग रहा है लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा हॉस्पिटल में, आपको पता है कि जब बंदा हॉस्पिटल में जाता है चाहे वो जितना मर्जी अच्छा हॉस्पिटल हो लेकिन बंदा जो ना हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल होता है। तो अभी जी घर आई हूँ तो आया हुआ है जी मेरा पार्सल, और अभी पार्सल को ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या आया है। अच्छा मेरे दो पार्सल आए हैं, कल एक पार्सल आया था वो मैंने ओपन कर लिया था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। अभी मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये आज आया है मेरा पार्सल काशीज़ से मैंने चीज़ें मंगवाई हैं लेकिन अभी एक ही चीज़ आई है। तो अभी वो ओपन करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मेरी वीडियो के साथ साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो ये है जी जो मैंने कल मंगवाया था, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया। ये टप है, मैनी पेडीक्यूर टप है ये, और ये मुझे दराज से आया है, मैंने दराज से मंगवाया था। बहुत अच्छा टप आया है, सेलर इसका बहुत अच्छा था और ये बहुत अच्छी चीज़ में मुझे टप मिल गया है। 3,500 का ये मुझे टप मिला है। और इसको नीचे करें तो ये नीचे ओके ना, तो ये पेडीक्यूर टप बन जाता है। और दूसरा पार्सल जो मेरे पास अभी रिसीव हुआ है वो काशीज़ का है। तो ये जी अभी उम्मीद जो है वो खोलने लगी है यहाँ पे पार्सल, और ये छोटा सा पार्सल उन्होंने इतनी बड़ी पैकिंग में इसलिए भेजा है कि ये कलर है, इतने कीमती कलर हैं कि ये टूटने का खतरा होता है। तो फिर इसलिए उन्होंने ना ये बहुत ज़्यादा ये लपेट लपूट के ना ये बेचते हैं। ये काशीज़ की मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि उन्होंने बहुत सेवली तरीके से जो ना ये बेचा है। ओपन करते हैं, और अच्छा मैंने इसकी और भी चीज़ें मंगवाई हैं और मंगवानी भी हैं, तो बाकी इंशाल्लाह वो आ जाएगा पार्सल। अभी मैंने सिर्फ ये ही मंगवाया था और बाकी वो बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। अल्लाह ये तो इतनी पक्की है ना। और ये देखे पैकिंग, पैकिंग बहुत अच्छी थी इसकी। तो ये है जी हमारी किट, और माशाल्लाह ये एक किट जो है ना 3,500 की आई है, अच्छी है। ये देखें जी, ये देखें, ये चेक करें। तो ये देखें जी, ये है काशीज़ की आई पैलेट किट है ये, और ये बहुत ही नाइस शेड है इसमें। तो ये देखें फ्रेंड्स, अभी मैंने उम्मे की आईज़ पे ये शेड लगाया और चेक करें कितना प्यारा शेड है। और बिल्कुल मैंने लाइट सा लगाया, कोई मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन अब चेक करें शेड। इसीलिए कहते हैं जी अच्छी चीज़ ले लें, एक दफ़ा ही ले लें, अच्छी चीज़ ले लें। तो काशीज़ का मेकअप तो आपको पता है कि काशीज़ ब्रांड जो है वो सबसे अच्छा ब्रांड है। इंशाल्लाह अभी अपने पॉलर पे काशीज़ की बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं रखने वाली, और अभी बहुत सारी चीज़ें जो है मैं काशीज़ की रखने वाली हूँ इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर। और साथ साथ चीज़ें मेरी आती रहेंगी और आप लोगों के साथ इनका रिज़ल्ट रिव्यू शेयर करती रहूँगी। तो हमें जी हमारी खेल मिल गई है ये, और हम इनके पटाखे छोड़ेंगे, अपने रोज़ा जो है ना वो गुजारेंगे। और अल्लाह माशाल्लाह देखें मेरी आज कितनी स्किन ग्लो कर रही है। आज तो नर्स ने भी मुझे वहाँ पे नजर लगा दी, कहती है आपकी स्किन बहुत प्यारी है, ग्लो कर रही है। मैंने कहा ला, मैंने वो जो फेशियल किया था सच में बहुत अच्छा फेशियल है, बहुत अच्छा फेशियल है। मैंने 6-7 दिन पहले वो फेशियल किया था और उसका रिजल्ट अभी भी मेरे फेस पे नजर आता है, और अभी आहिस्ता आहिस्ता मजीद ज्यादा नजर आता है। तो बाकी अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, अभी तकरीबन जो असर की अज़ान का टाइम होने वाला है, अभी तो 3 हुए हैं। अल्लाह तो चलिए फोन शून देखते हैं, और फिर नमाज शाज का टाइम हो जाएगा तो नमाज पढ़ेंगे और फिर अफ्तारी करेंगे। लेकिन आज का रोज़ा बड़ा अच्छा गुजरा, अभी तक तो भूख प्यास का पता भी नहीं है। उम्मी का भी रोज़ा है आज, और अभी भूख प्यास का बिल्कुल पता नहीं है। बाहर मौसम बहुत औसम है, बहुत 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 अच्छा है। आज तो डॉक्टर भी कह रहा था वेदर बहुत अच्छा हो गया, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। डॉक्टर से ना हमारी अच्छी इस्लाम दुआ होगी, अच्छी अच्छी उनके साथ ना होगी, काम आपका कैसा जा रहा है पार्लर का, तो ऐसे ऐसे बातें वो डॉक्टर पूछ रहे थे। तो मैंने कहा जी बस अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक जा रहा है। तो चलें जी अभी फिर मिलती हूँ किसी और चीज़ के साथ, तब तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। The next day. अभी जी मैं जा रही हूँ बाज़ार, और चलते हैं बाज़ार और आपसे मिलते हैं बाज़ार जाके। आज मौसम बहुत प्यारा है, अभी मैं आपको ना बाहर मौसम चेक करवाती हूँ।
इतना मज़े का मौसम है और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा जो है वो बहुत अच्छा से गुजरा है। ये देखिए फ्रेंड्स, चेक करें, इतना प्यारा सा मौसम, हवा हल्की हल्की चल रही है और धूप बिल्कुल नहीं है। तो छोटा सा काम था, कॉलर का फिशल आया हुआ था तो वहाँ से फिशल उठाना था, वो लेके आना है और मछली चाचू के लिए लेके आनी है और बस एक दो छोटे छोटे उम्मे का यूनिफॉर्म लेके आना है और बस छोटे छोटे काम है वो करने हैं। तो इसलिए रोज़ा रख के बाज़ार जाना, बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये है कि मौसम बहुत अच्छा है ना, तो फिर रोज़ा भी अच्छा गुजरेगा, बाज़ार जाने से टेंशन नहीं होगी। तो चलिए आप लोगों की मेरे साथ साथ चल रही और करते हैं बाज़ार जाके रोज़ा इंजॉय। तो अभी जी मैं जल्दी जल्दी आपको चेक करवा देती हूँ कि मैंने बाज़ार से क्या लाया है। एक ड्रायर लिया है, ड्रायर की मुझे बहुत शदीद किस्म की ज़रूरत थी क्योंकि मेरा ये ड्रायर जो है ना वो ख़राब हुआ था। टेम्परेरी मैंने लिया है, हल्का सा लिया है क्योंकि पाकिस्तान की चीज़ें आपको पता है कि कैसी होती हैं, ख़राब हो जाती हैं। बाहर से कोई हो ऐसा बंदा कि जिससे हम ये मंगवा सकें तो ये चीज़ें बाहर से बेस्ट मिलती हैं, लेकिन पाकिस्तान से ये बिल्कुल अच्छी नहीं मिलती हैं। लेकिन क्या करें जी, हमारा कोई बाहर नहीं है तो हम यहाँ से ही लेंगे ना। तो यहाँ पर जी पार्लर्स की कुछ चीज़ें थी और जैसे कि ब्रश था, ब्लीच ब्रश था, मैनी पैडी के लिए था, ये थ्रेड था और ये भी मैनी पैडी के लिए था। एक यहाँ पे ये लिया है और ये एप्रल हैं जी, ये एप्रल कटिंग शिटिंग के लिए, कलर के लिए एप्रल लिए हैं ये मैंने दो। इनको ओपन करके भी दिखाते हैं आपको, एक एप्रल को ओपन करते हैं जी। ये लो जी, ये आप अप्रैल ओपन करो, जल्दी जल्दी करो, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो ये अप्रैल है जी, एक अप्रैल ये है और एक अप्रैल ये है। ये अप्रैल 750 का आया है और वो 350 का आया है। और यहाँ पे जी जो मेन मैं चीज़ लेने गई थी बाज़ार से वो था जी ये वाला फेशियल, वाइटनिंग फेशियल था। ये मैंने कंपनी से मंगवाया है, ये बाहर ये बहुत अच्छा फेशियल है, बहुत इसका रिज़ल्ट है। ये मैंने कंपनी से मंगवाया है, सिर्फ ना मेरे पार्लर पर वो आई नहीं और मैंने फिर वहाँ से बस उठाना था तो ये मैंने मंगवाया है। अभी इसका रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ईद ऑफ़र पे फेशियल के लिए लगाएंगे और फिर आप लोगों के साथ इसका रिज़ल्ट भी शेयर करेंगे। और यहाँ पे जी मैंने टॉवल लेने थे, पार्लर के लिए ही लेने थे, दो ये वाले लिए हैं और दो ये वाले लिए हैं। ये भी पार्लर के लिए ही लिए हैं क्योंकि पार्लर पर टॉवल जो है ना वो ख़राब हो गए थे। तो ये कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी। और यहाँ पर जी बाजी लेके आई हैं चादरें, ये चार चादरें हैं और ये सोफ़ों के लिए लिए हैं, सोफ़ों का कवर इनका बनाना है। ये चार चादरें हैं, ये बाजी लेके आई हैं और साथ में वो उमे का स्कूल यूनिफॉर्म, वो तो मैंने आपको वहाँ पर भी दिखाया था। और साथ में कुछ जो है ना वो थे जी फ्रूट वगैरह लिए हैं। तो बस ये कुछ चीज़ें थी। और ये चीज़ें आप बिलीव करें, ये चीज़ें जो हैं 10,000 की आई हैं, ये सारी चीज़ें 10,000 की आई हैं। और इसमें से ये फेशियल निकाल के, ये फेशियल के पैसे मैंने पहले से पेमेंट की हुई थी, इस फेशियल को निकाल के ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये 10,000 की आई हैं। फ्रूट, ये उमे का यूनिफॉर्म, ये देखने में ये सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें हैं और 10,000 की आई हैं। तो हर बहरहाल जी अल्लाह पाक हैर करें, अल्लाह पाक महंगाई को कम करें पाकिस्तान से। तो अभी बाहर हो रही है बारिश, धूप में बारिश बैठ जाके इंजॉय करने दें फ्रेंड्स। अभी चेक करें धूप और बारिश जो है ना वो दोनों साथ साथ हैं। देखें यहाँ पे सूरज निकला हुआ है, किधर गया सूरज, यहाँ पे सूरज निकला हुआ है, यहाँ पे धूप और बारिश एक साथ हो रही है। मम्मी को बोला मैं जल्दी से दुआ मांगो, यहाँ पर धूप और बारिश में दुआ मांगी जाए तो वो पूरी होती है कहते हैं। अभी हम मांगते हैं फिर देखते हैं हमारी पूरी होती है या नहीं होती है। मुझे नहीं लगा मौसम बहुत अच्छा है, अभी धूप बारिश करती है।
और बारिश मज़ीद ज़्यादा तेज़ हो गई है और मैं बारिश में नहीं गिली हो, मज़ीद ज़्यादा बारिश है ना वो गिली हो गई है, मज़ीद ज़्यादा बारिश तेज़ हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जी ये सूरज यहाँ पे और यहाँ पे तेज़ बारिश छाया। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये अल्लाह पाक की शान है, ये अल्लाह पाक की कुदरत है, अल्लाह पाक जो करना चाहे कर सकते हैं। और ये भी इस प्यारे प्यारे मौसम के साथ धूप और बारिश इकट्ठी, आप लोगों ने दुआ मांगनी है तो आप लोग भी दुआ मांग लें, अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें परेशानियां हल करें और हम सबकी नेक दिली हजात को पूरा करें। इस प्यारे प्यारे मौसम के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखना, मिलते हैं नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अलंगीबान।